और डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 19.8 ऑडिशन बुक का लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 51 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो बेटर है कि आप बुक अपने साथ रख लेंगे, थोड़ा सा इजी होगा क्वेश्चन देखने में। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। सो जिन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, वही ये क्वेश्चन हैं लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 45 to 51 हम सॉल्व करेंगे। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 19.48 मैथमेटिक्स क्लास 12th ऑडिशन बुक है ये। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे क्वेश्चन है। सो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज की हम लोग एक तरह से रिविजन भी अभी करेंगे। सो हेयर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें ये क्वेश्चन सी सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में ये बेटर होता है कि अगर आप क्वेश्चन को देख के समझ पाएं कि किसका डेरिवेटिव, यानी कोई भी फंक्शन हमारे सामने है, अगर हम उसके डेरिवेटिव को पहचानते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए रूट एक्स, ये 1/√x जो है ये रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सीधे रूट एक्स प्लस 1 को टी पुट करके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्विकली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आइए डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स मीनिंग 1/√x डीएक्स इक्वल टू डीटी। सो इट मीन डीएक्स इज ट्वाइस रूट एक्स डीटी। आइए पुट करना शुरू करते हैं। सो डीएक्स के प्लेस पे हो गया 2√x dt। ओके, रूट एक्स हो गया हमारा क्वेश्चन में पहले से ही, और इसको हमने टी एज्यूम किया था सी, ये दोनों कैंसिल हो गए। दैट मीन 2 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस ए कांस्टेंट। सो 2 लॉग और टी मतलब टी हमने रूट एक्स प्लस 1 को एज्यूम किया था। सो सी बड़े सिंपल क्वेश्चन ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन सिंपल कब है, जब आप ये क्वेश्चन को सीधे सीधे पहचान पाए, यानी आप अगर डेरिवेटिव को अच्छे से पहचानते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सी मैंने जिसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक्चुअली ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 45 है। सो नाउ द क्वेश्चन 46, यानी हमें क्या करना है, tan 2x, tan 3x and tan 5x इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आपको सिर्फ एक चेक करना है, देखिए इसमें से 2 का सम 3 के इक्वल है, तो जिसके भी इक्वल है उससे स्टार्ट कीजिए अलग से क्वेश्चन को। यानी हम tan 5x को लिख लेते हैं, और tan 5x किसके इक्वल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan 2x प्लस 3x, और ट्रिग्नोमेट्री tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो tan a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा tan 2x प्लस tan 3x द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x tan 3x। ओके, लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास क्या आएगा, tan 5x माइनस का tan 2x tan 3x tan 5x इक्वल हो जाएगा tan 2x प्लस tan 3x। सो इट मीन फ्रेंड्स, इट मीन ये जो वैल्यू है, मीनिंग अगर हम यहां से tan 2x tan 3x एंड tan 5x इसकी वैल्यू नोट करना चाहें तो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा सिंपली tan 5x माइनस tan 2x tan माइनस का ही tan 3x। सो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इनको इंटीग्रेट करना नहीं, एंड नाउ यू नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x ना, आप जानते हैं tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन होता है आइदर अगर मुझे माइनस में यूज करना है तो माइनस का लॉग यूज कर सकते हैं, यानी tan 5x या लॉग सेकेंड भी हम यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू कि व्हाट टाइप ऑफ आंसर यू वांट टू राइट। आप सेकेंड में आंसर लिखना चाहते हैं तो tan 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log secant 5x डिवाइड बाय 5, tan 2x हो जाएगा log secant 2x
divide by 2, and then ऐसे ही log secant 3x divide by 3 plus c, एक constant c. ये सिंपल सा क्वेश्चन था ना, एक वैसे भी मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चन हो जाए तो आसान है, नहीं हो तो मुश्किल है. आइए एक और क्वेश्चन आता है. Our next question is question number 47. Okay, now let us see the question number 47 को देखते हैं. 47 में हमें जो इंटीग्रेट करना है वो है 1 plus 10x, 10x plus theta dx. अगेन इस क्वेश्चन में भी हम लोग ये चेक करेंगे, ये प्लस साइन, जैसे आप एक चीज देख रहे हैं, ये हमने एक फॉर्मूला भी यूज किया था 10 का जिसमें ये माइनस साइन है और यहाँ ये प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन किस, क्योंकि ये माइनस साइन प्लस के फॉर्मूले में आता है, तो प्लस साइन माइनस में आएगा, तो माइनस से स्टार्ट करेंगे. यानी क्या करेंगे, वी स्टार्ट विद 10x plus theta minus x के फॉर्मूले को लिख के देखते हैं क्या होगा वो. द फॉर्मूला विल बी 10x plus theta minus 10x एंड होल डिवाइड बाय 1 plus 10 x plus theta 10x ना. सो व्हाट विल वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू को नोट करें, यहां x कैंसिल हो गया, सो 10 थीटा इज अ कांस्टेंट. सो नाउ 1 plus 10 x plus theta into 10x, लेट मी क्लोज द ब्रैकेट. ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 by 10 थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 10 x plus theta minus 10x. ओके, सो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है, इसको इंटीग्रेट करना, थीटा तो कांस्टेंट है, सो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, यानी हमें 10x plus theta को इंटीग्रेट करना है. ओके, सो इंटीग्रेशन बी log secant x plus theta, ऐसी 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log secant x plus constant of integration. सो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 47. आइए और क्वेश्चन देखते हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 48. ओके, सी द क्वेश्चन 48. ये भी अगेन, ये पूरी एक्सरसाइज के जो हमने क्वेश्चन लेवल 2 के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर आइदर बेस्ड ऑन सिंपल सब्स्टिट्यूशन, या तो आप ऐसा कहिए कि सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा यूज है. सी x माइनस पाई बाय 6 एंड हेयर साइन x प्लस पाई बाय 6 डी एक्स. ओके सर, दिस इज द क्वेश्चन, अवर क्वेश्चन नंबर 48. ओके अगेन सी x प्लस माइनस पाई बाय सी, या x प्लस पाई बाय 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो 2x आता है. तो क्या करते हैं हम, इस साइन 2x को दोबारा लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस पाई बाय 6 प्लस x माइनस पाई बाय 6 के फॉर्म में. ओके, हम इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लेंगे पहले, साइन, हियर यू हैव x माइनस पाई बाय 6 एंड साइन x प्लस पाई बाय 6. नाउ सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला. ओके, साइन ए प्लस बी का, यानी ये एक ब्रैकेट में है और ये एक ब्रैकेट में है, सो साइन ए प्लस बी क्या होता है, सी हियर साइन ए, ओके कॉस बी, सो कॉस एक्स माइनस पाई बाय 6, देन प्लस कॉस ए, सो कॉस एक्स प्लस पाई बाय 6 एंड साइन बी, सो साइन दिस ना. इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, यानी ये दोनों के साथ है ना, तो इनको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं हम लोग. साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 हियर इट इज एंड साइन एक्स प्लस पाई बाय 6, इसको भी अलग लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 सी. ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी ये बन गया कॉट x माइनस पाई बाय 6. सी यहां क्या कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया, सो अगेन कॉट x प्लस पाई बाय 6 dx. dx लिखना नहीं भूलेंगे, हमने यहाँ dx नहीं लिखा है. अब cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट बी द इंटीग्रेशन ऑफ cot, cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ऐसे इस cot का इंटीग्रेशन log sin x,
plus constant c. So here our question number 48. Okay, see now question number 49. Our next question is question number 49 पे आते हैं. Question is हमें इंटीग्रेट करना है e to power x minus x plus x e to power minus 1 the whole divided by e to power x plus x to power e dx. This is our question number 49. So again see this question. इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इसके डेरिवेटिव से कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए. तो क्यों ना हम e पावर x प्लस, वैसे भी पता नहीं है लेकिन तब भी अगर इसको हम t एज्यूम करके डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं. सो या e पावर x e इंटू एक्स पावर e माइनस 1 dx इक्वल टू dt. अगर अब यहां से एक e कॉमन कर लें, है ना, e कॉमन करें सो हो जाएगा e टू पावर x माइनस 1 प्लस x टू पावर e माइनस 1 dx इक्वल टू dt. सो तो डेरिवेटिव हो गया, पुट कर दीजिए. सो ये 1 अपॉन e 1 अपॉन t dt क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन e log t प्लस कांस्टेंट c और 1 अपॉन e log t मतलब e टू पावर x प्लस x टू पावर e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 है. आइए नेक्स्ट आते हैं अवर क्वेश्चन नंबर 50. सी इंटीग्रेशन ऑफ अगेन 1 अपॉन, हियर वी हैव साइन x cos स्क्वायर x dx. ओके, ये क्वेश्चन एक छोटे से ट्रिक पे बेस है क्योंकि नीचे cos स्क्वायर है तो अगर ऊपर भी साइन कॉस हो जाए तो इजिली डिवाइड हो सकता है. यानी हम क्या करेंगे, वन के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और यहां रहा ये साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. अब डिवाइड कर दीजिए. सो सी द डिवीजन, पहले में एक साइन कैंसिल हो गया साइन बाय कॉस स्क्वायर, सो डिवीजन इज टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस वन डीएक्स. सो नाउ What will be the integration क्या होगा, यहाँ पर tan x sec x हो जाएगा, tan x sec x का integration हो जाएगा sec x और 1 का हो जाएगा x plus एक constant c. okay, tan x sec x का integration simply sec x और 1 का integration x plus 1 का integration x हो जाएगा. नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है cos 3x माइनस cos x dx को. ओके, हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं cos 3x माइनस cos x को. क्या करते हैं, cos 3x का फॉर्मूला लिखते हैं और cos 3x का फॉर्मूला क्या है, इट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस cos x dx. ये हो जाएगा सिंपली 4 cos क्यूब एक्स माइनस 4 cos x dx. सो क्या करते हैं हम लोग कि माइनस 1 बाई 4 को मैं बाहर लिख रहा हूं और cos x को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx दैट इज माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन में sin स्क्वायर x dx. ना नाउ दिस क्वेश्चन इज सेम एज वी हैव डन हियर, देखने पहले अलग लग रहा है लेकिन यहां भी क्या करेंगे, 1 के प्लेस पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. नाउ इन प्लेस ऑफ 1 आप क्या कीजिए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x पुट करके डिवाइड कर दिए एज वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन. सो ये क्या होगा, सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा. सो डियर फ्रेंड्स, ये हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की 19.8 एक्सरसाइज लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 51 को सॉल्व किया. सो जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.